रामना मेरे सारे छोटे बड़े भैया ने जवान चाचे और बूढ़े दादा ने जिस भी बालक ने बारहवीं पास करी है, चाहे आपने बारहवीं पास करी हो, चाहे आपके बड़का ने बारहवीं पास करी हो, चाहे आपकी लड़की ने बारहवीं पास करी हो, जिसने बारहवीं पास करी है वे फटाफट कांगड़ा सीएससी सेंटर पहुंच गया हुआ है। आपके जो हरियाणा के स्कॉलरशिप के फार्म है वे निकल चुके हैं, वो डॉक्यूमेंट आपने किसके लेके आने हैं, तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले है आपकी परिवार पहचान पत्र, आपका आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, इनकम सर्टिफिकेट, हरियाणा डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एससी बीसी या एसटी कैटेगरी का हो तो, दसवीं का सर्टिफिकेट, बारहवीं का सर्टिफिकेट, अपनी एक कॉलेज की जो फीस रिसिप्ट, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है या आईटीआई में एडमिशन लिया है तो वो फीस जमा कराई होगी, उस फीस की एक रिसिप्ट लेके आनी है। इसका साथ साथ आपने कॉलेज का आई कार्ड अगर आपके पास है तो कॉलेज का आई कार्ड लेके आना है, अगर आपके पास बीपी राशन कार्ड है तो बीपी राशन कार्ड भी आपने साथ लेके आना है, अगर आपके पापा जो एक्सपायर हो गए हैं तो अपने पापा का डेथ सर्टिफिकेट भी अपने साथ लेके आना है। तो फटाफट ये डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, हरियाणा में पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप की जो फार्म है वे निकल चुके हैं, तो जल्दी से अपना फार्म भरवा लो ताकि वे रुपये आपने मिल पाऊंगे। इसके साथ साथ आपने एक बैंक अकाउंट की कॉपी और लेके आनी है, और इसके साथ साथ आपने कॉलेज की अटेंडेंस जो है वो कॉलेज में मिल जाऊंगी, वो बाद में आप अटैच कर सको इसके साथ, और फैमिली आइटम जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर साथ जरूर लेके आओ। पोस्ट मैट्रिक के स्कॉलरशिप के जो फार्म है वो निकल चुके हैं, तो फटाफट सभी अपना फार्म भरवा लो। भविष्य के लिए की अनेक जानकारियों के लिए इस चैनल में सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि भविष्य में आपने गवर्नमेंट की हर स्कीम के बारे में जानकारी रहे, समय पर मिलती रहे।